A very good morning to each and every student of class 3rd. This is your subject computer and we will start a new chapter, chapter 4. Okay, this is your book, computer skill, chapter 4, that's name is working of a computer. Okay, working of a computer, a computer kis tarike se kaam karta hai, theek hai? So let's see in the chapter. As you know, computer is an electronic device which processes data into meaningful information. ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ठीक है, वो क्या करती है, प्रोसेस करती है डेटा को इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. मतलब कि कोई एक डेटा उसको प्रोवाइड किया गया, उसको वो किस तरीके से प्रेजेंट करती है कि सामने वाले को समझ में आए. मतलब क्या है कि मीनिंगफुल कोई एक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है किसी भी गिवन डेटा से. ठीक है, सो देयर आर थ्री स्टेप्स इन वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. ओके, देयर आर थ्री स्टेप, तीन स्टेप्स होते हैं कंप्यूटर के काम करने को हम इस तरीके से समझ सकते हैं. फर्स्ट क्या होता है बच्चों, इनपुट. इनपुट मतलब क्या, कि उसमें कुछ डालना. ठीक है, कोई डेटा उसमें डालना. सेकेंड क्या है उसका काम, प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना. ठीक है, मतलब कि जो कंप्यूटर होता है उसमें कोई हमने डेटा उसमें डाला तो वो क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा. मतलब जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में किसी भी डेटा को समझता है उसे हम बाइनरी बोलते हैं. ठीक है, बाइनरी नंबर या बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज को. वो अपने तरीके से समझता है, लेकिन क्या करता है, वो जो हमारे सामने आउटपुट देता है. ठीक है, जो थर्ड स्टेप है आउटपुट, मतलब कि हमारे सामने जो वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं. ठीक है, और वो क्या होता है, वो हमारी लैंग्वेज होती है जो वो हमें आउटपुट में दिखाता है. ठीक है, लेकिन वो जो उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो इनपुट होता है वो अपनी लैंग्वेज में लेता है. जो कंप्यूटर होता है वो अपनी लैंग्वेज में लेता है, मतलब अपनी समझ में लेता है. मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको कोई चीज़ किसी बड़े ने बताई कि क्या है, कि ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया मैथ्स का, कि ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से लगाना है, चाहे आपको ऐड करना बताया एक टीचर ने. ठीक है, कि हम इस तरीके से ऐड करते हैं. ठीक है, आपको एक नंबर दिया उसी टीचर ने, तो आपने उसको ऐड करके दिया कि सर इस तरीके से हमने ऐड कर दिया. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप क्या करते हो, बुक अपनी खोलते हो. ठीक है, तो एक्सरसाइज जब आप करते हो तो उसमें नंबर क्या होते हैं, अलग दिए हुए होते हैं. ठीक है, तो आपने क्या कर, अपनी समझ उसमें लगाई. ठीक है, जो आपको पता था कि ये फॉर्मूला लगेगा और ऐसे ऐसे करना है, आपने अपनी समझ से उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रोसेसिंग है, कि आपके दिमाग की समझने की प्रोसेसिंग है, कि आपने किस तरीके से उसको समझा, किस तरीके से आपने उसको सॉल्व किया और आपने उसका आउटपुट क्या दिया. ठीक है, उसी तरीके से कंप्यूटर का भी काम होता है. कंप्यूटर जो होता है इनपुट को अपने तरीके से समझता है, अपनी लैंग्वेज में. ठीक है, बट वो आउटपुट क्या देता है, कि टीचर को, जैसे आपने जो उसका आंसर लिखा है वो टीचर को समझ में आ रहा है कि आपने क्या आंसर लिखा है. उसी तरीके से कंप्यूटर भी यही काम करता है, कि आउटपुट वो जो देता है वो हमारी समझने के लिए होता है. ठीक है, यानी कि हम कौन, इंसान. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, इनपुट. ठीक है, अगर हमें चाय बनानी है तो हम क्या करते हैं, चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉसपैन में क्या करेंगे, इनपुट मतलब मिल्क डालेंगे. ठीक है, चीनी डालेंगे, पत्ती डालेंगे, है ना. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब क्या, उसको उबालेंगे. ठीक है, चाय को बनाएंगे, है ना, वो क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग होगा. उसके बाद आउटपुट क्या मिला आपको, अ कप ऑफ टी. ठीक है, समझ सकते हैं आप इस तरीके से, कि क्या है जो हमें आउटपुट मिला वो क्या है, टी, क्योंकि अलग चीज़ मिली है हमें. ठीक है, उसी तरीके से आउटपुट क्या होता है बच्चों, अलग चीज़ मिलती है हमें. ठीक है, सो इनपुट क्या होता है, फीडिंग द रॉ डेटा इनटू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इनपुट. ठीक है, फीडिंग मतलब कंप्यूटर को खिलाना, रॉ डेटा मतलब एक कच्चा सामान उसको देना कंप्यूटर को. ठीक है, और क्या करेगा वो, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा. ठीक है, हमारी लैंग्वेज में उसको प्रोसेस करेगा, तो क्या कहता, ताकि हमें वो समझ में, वो हमारे लिए हो. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनपुट करना बोलते हैं, फीडिंग द रॉ डेटा. ठीक है, इनपुट इज गिवन टू द कंप्यूटर बाय एन इनपुट डिवाइस. ठीक है, और ये इनपुट डेटा हम कंप्यूटर में किस तरीके से डालते हैं, विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस. ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या हो सकती है, द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड. ठीक है, हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के हेल्प से हम, जैसे कुछ हमें कुछ गूगल पे सर्च करना है तो हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं. ठीक है, कीबोर्ड के हेल्प से हम किसी चीज़ का नाम
टाइप करते हैं, जैसे कोई चीज़ हमें खोजना है, किसी भी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए डाइजेशन के लिए, तो हमने क्या करा, हमें नहीं पता है, ठीक है, हमने बस सिंपली टाइप किया कीबोर्ड पे डाइजेशन, ठीक है, और हमने इसको एंटर कर दिया कंप्यूटर पे, तो मतलब हमने क्या कंप्यूटर को इनपुट दिया कि ये डाइजेशन के बारे में हमें बताओ, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करेगा उसमें, उसको प्रोसेस करेगा, इनपुट करेगा, इनपुट को लेने के बाद प्रोसेस करेगा, डाइजेशन के बारे में सर्च करेगा, ठीक है, वो उसका प्रोसेसिंग वर्क है, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, हमें प्रोसेस करके हमें बताएगा कि डाइजेशन क्या होता है, हमारे सामने एक पेज खुल जाएगा जिसमें कि लिखा होगा डाइजेशन के बारे में कि डाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं उसमें, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या एंजाइम्स में लगते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लिए आउटपुट, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस, ठीक है, एक तो हो गया कीबोर्ड, दूसरा क्या है बच्चों, स्कैनर, ठीक है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, एक पेज ले लेते हैं और जब ये यहाँ से खुलता है, ठीक है, इसको हम खोल के पेज हमने इसके बीच में रख दिया, ठीक है, और हमने इसको बंद कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम कंप्यूटर पे जाएंगे, कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, चाहे हमें इसका इसको स्कैन करना हो उस पेज का, या फिर हमें उस पेज का प्रिंट आउट निकालना हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा कि हाँ हमें इस पेज का फोटो कॉपी निकालना है, कितना निकालना है, ठीक है, तो जो आउटपुट आएगा हमारे हाथ में पेज के फॉर्म में वो क्या होगा, वो आउटपुट होगा। माउस क्या करता है, माउस का भी यही काम होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई एक ऐप है या कोई एक आइकन है उसको खोलना है तो कंप्यूटर के ये माउस की हेल्प से हम खोलते हैं। कीबोर्ड के मैंने बता दिया। फिर ये होता है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का भी काम सेम होता है, जनरली जॉयस्टिक जो कि है वो गेम्स में यूज़ होती है, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए होती है, ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस। उसके बाद क्या है, प्रोसेसिंग, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द रॉ डेटा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है, रॉ डेटा को लेकर के कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसको सर्च करता है, ठीक है, तो जो सर्च कर रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग, ठीक है, और क्या करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो डेटा हमें मिला है उसको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है, सो द प्रोसेसिंग इज डन इनसाइड द CPU, ठीक है, ये प्रोसेसिंग कहाँ होता है, कंप्यूटर के CPU वाले पार्ट में होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोलते हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम होता है। सो द प्रोसेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ instructions, ठीक है, instructions के सहायता से प्रोसेसिंग होती है। instructions कौन देता है, हम देते हैं इनपुट के जरिए, ठीक है, ये है आपका CPU और ये है आपका प्रोसेसर, जो कि ये प्रोसेसर CPU के अंदर लगा होता है, ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक है, इनपुट हमने इसमें डाला, इसके बाद क्या है, कंप्यूटर ने प्रोसेस करा, फिर हमें आउटपुट दिया। आउटपुट क्या होता है बच्चों, इन्फॉर्मेशन, द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डेटा बाय द CPU विद द हेल्प ऑफ instructions गिव्स द आउटपुट, द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड बाय एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब क्या है, ये आउटपुट डिवाइस क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं मॉनिटर, ठीक है, सर्च करा कंप्यूटर ने और हमारे सामने एक हमारी स्क्रीन पर एक पेज खोल दी, तो क्या है वो स्क्रीन क्या है बच्चों, हमारे लिए आउटपुट की तरह काम करेगी, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर जैसे हमने स्कैन करा कॉपी को, उसके बाद क्या किया है, प्रिंटर ने उसकी कॉपी निकाली, तो प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट होगा। स्पीकर क्या है बच्चों, स्पीकर भी आउटपुट है। हमने क्या करा, कंप्यूटर में कीबोर्ड के हेल्प से कोई गाना प्ले करने के लिए उसको बोला, ठीक है, हमने एंटर करा कीबोर्ड से, उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उस गाने को खोजेगा, ठीक है, वो गाना जैसे उसे मिल जाएगा, वो क्या करेगा, उस स्पीकर से उस गाने को प्ले कर देगा, ठीक है, तो स्पीकर क्या हो जाएगा हमारे लिए, आउटपुट, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड योर चैप्टर, दैट इज़ वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।